अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले कि मैं इस वीडियो का आगाज़ करूं, आपको एक डिस्क्लेमर देती चलूं। मुझे टिकटॉक इस्तेमाल करना नहीं आता। जब मैंने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह मुझे टिकटॉक पर भी अपनी एक प्रेजेंस रखनी चाहिए। मैंने ऐप डाउनलोड तो कर ली लेकिन वीडियोज़ देखने से आगे नहीं बढ़ पाई। वैसे भी मेरा एक मसला है कि मैं टेक्नोलॉजी के मामले में खासी नाबल्द हूँ। अभी तक स्नैपचैट इस्तेमाल करना नहीं आया तो टिकटॉक मेरे लिए बिल्कुल ही रॉकेट साइंस थी। मुझे टिकटॉक की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती है। जी, मैं इस बात से बखूबी आगाह हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को टिकटॉक पसंद नहीं है। मेरा शुमार भी आप लोगों में ही होता था। मैं टिकटॉक के कंटेंट को देखकर नाक भूं चढ़ाती थी कि ये कैसा कंटेंट है, कोई इंटेलेक्ट नहीं है, इंसान ने वीडियो देखनी हो तो वो यूट्यूब क्यों ना देख ले। वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की, तो मुझे एहसास हुआ कि टिकटॉक बहुत इंटेलिजेंट मीडियम है। YouTube पर हमारे पास वक्त की कैद नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद कई बार बात को समेटना मुश्किल हो जाता है। TikTok में आपके पास बहुत कम वक्त होता है, लिहाजा दरिया को कूजे में बंद करना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है। TikTok की दूसरी काबिल बयान खसूसियत इस प्लेटफॉर्म का इंतहाई अवामी होना है। आपका ताल्लुक जिस भी मुआशी या समाजी तबके से हो, आपके यहाँ नोटों की गड्डियाँ तिजोरियों से बाहर उमड़ रही हों, या आप किसी दूर अफ्तादा गांव में खेती बाड़ी करते हों, टिकटॉक के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बहुत से ख़वातीन और हज़रात जो ज़िंदगी की दौड़ में अपना आप खो चुके थे, घर बार और नौकरी में सब कुछ भुला चुके थे, अब टिकटॉक के ज़रिए ख़ुद को खोज रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, आप इंस्टाग्राम पर उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास बहुत फैंसी कपड़े या ट्रैवल करने के लिए एक्सपेंसिव लोकेशंस ना हों। ट्विटर पर आपका उस वक्त तक कुछ नहीं बनेगा जब तक आपके पास अल्फाज का भारी भरकम ज़खीरा ना हो। लेकिन टिकटॉक वो मीडियम है जो आपको आपके वसाइल या तालीम की कमी की बुनियाद पर जज नहीं करेगा। वैसे भी हमारे यहाँ तो तालीम का ताल्लुक भी वसाइल से ही है। अभी सोशल मीडिया पर एक बहुत शोर मचा हुआ है, वो ये है कि पंजाब के गवर्नर साहब ने कुछ टिकटॉकर्स को गवर्नर हाउस में बुलाया ताकि वो कोरोना वायरस के सिलसिले में आवाम में आगही फैला सकें। देखिए, ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि मैं हुकूमत पर बहुत तनकीद करती हूँ, बल्कि मुझ पर भी ज़्यादा तनकीद इसलिए होती है कि मैं हुकूमत पर बहुत तनकीद करती हूँ। लेकिन मैं ये बात भी कहूँगी कि तनकीद बराए तनकीद करना एक खासी अनफेयर बात है। टिकटॉकर्स को क्यों ना बुलाया जाए? अगर आपने अपनी बात अशराफिया तक महदूद नहीं रखनी, अवाम तक पहुँचानी है, तो टिकटॉक से बेहतर मीडियम क्या है? अवाम तक बात तो उन्हीं की ज़बान में पहुँचाई जाएगी ना। वो लोग जो टिकटॉक को हकीर जानते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, क्या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत क्वालिटी कंटेंट शेयर होता है? कभी ट्विटर पर सतही गुफ्तगू नहीं हुई? यूट्यूब पर जो भी वीडियोस हैं, क्या वो सबकी सब बहुत इल्म व फजल की मोती बखेर रही हैं? क्या आपने टिकटॉक का सारा कंटेंट डिस्कवर कर लिया है? क्या आपको पता है कि सब वीडियोस किस तरह की हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? आप कैसे बताते हैं कि कौन सा कंटेंट कमतर है और कौन सा कंटेंट बरतर है, अगर वो किसी की तजहीक या दिल आज़ारी नहीं कर रहा? टिकटॉक ने इस फर्क को मिटा दिया है कि आपके पास कितनी तालीम है या कितने वसाइल। अगर एक शख्स के पास आप जैसे मवाक़े नहीं थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपनी बात या अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाने का हक नहीं है। अगर आपके घर में पेंट करने वाले साहब के फॉलोअर्स मिलियंस में जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुदरती तौर पर टैलेंटेड हैं और उनको अवाम की ज़ुबान आती है। अगर किसी औरत को छोटी उम्र से ही घर गृहस्थी और बच्चों में उलझा दिया गया हो और 40 साल की उम्र को पहुंचकर उसको ख्याल आए कि मुझे भी अपना आप एक्सप्लोर करना है, तो इसमें बुराई ही क्या है? असल में हमारा मसला टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि वो लोग जिन्हें हमेशा हमने हकीर और कमतर जाना, अब वो भी ख़ुद को मनवाने लगे हैं और मकबूल हो रहे हैं। मुझे इस बात की माफ़ी दीजिएगा
लेकिन ये बिल्कुल वही जहनीत है कि किसी गांव के मलिक साहब ये कहें कि उन मुसलियां तो बुंडा भी सनखा खाएगा। देखिए पहली बात तो ये कि टिकटॉक एक अवामी प्लेटफॉर्म है, इसकी इस इम्पोर्टेंस को जानिए, इस बात को समझिए कि हर किसी को अपनी राय और अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाने का हक है। और दूसरी बात ये कि पहले ये तो डिफ़ाइन कर लीजिए कि क्वालिटी होती क्या है। अगर बाकी मीडियम्स में वो क्वालिटी मिले तो यकीनन आपको टिकटॉक वालों से भी इस बात का गिला करना चाहिए। इन टिकटॉक वालों को ये मौका तो दीजिए कि वो अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पेश करें और इवॉल्व हो सकें। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।